वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे घर आए हैं हमारे बच्चे। हमारे बच्चों का मीन्स हमारे बड़े भैया भाभी हैं, उनके बहू बेटा, वो आज हमसे मिलने आए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सागर हेलो, हाय श्रुति, खाना कैसा लगा? बहुत टेस्टी था। रिसेंटली? बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मिलने आ जाएगा बस चाचियों के साथ। ये चीज, ये अनियन मुझे बहुत, ओए होए ओए होए, जैसा पिंक ये वैसे पिंक पिंक तुम्हारी गाले। इसको देख के ना रेस्टोरेंट होटल वाले कर चाहते हैं ना दिल्ली में। इसीलिए तो यहाँ हो रहा है हमारी फैमिली का डिनर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है हमारी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। अभी इसमें से मिसिंग है बड़े भैया एंड भाभी और बेटी। तो ये उनके बड़े बहू बेटा आज ही आए हैं हमारे घर एकदम से मिलने। हमारे खानदान की सबसे यहाँ की बड़ी बहू, पहली बहू, जो बहुत ही स्वीट है, जॉली नेचर की है। जितनी तारीफ की जाए कम है फिलहाल इसके। सब जने बड़े खुश हैं कि भाई आया है, बड़ा भाई आया है, इसको टाइम नहीं मिलता था। शुक्र है, कईयों की बीवियां तो छुड़वा लेती हैं, इसकी बीवी ले आई है। हमारे घर ऐसी बहू आई है जो ले आई है सागर को मिलवाने के लिए। क्यों, थैंक यू सागर, सबको ऐसी बहू दे भगवान। देखा, ये मेरे को हर जगह ले जा रही है भाई। श्रुति, श्रुति तो फिर थापड़ा बजना चाहिए। तो श्रुति को यहाँ अप्रिशिएट किया जा रहा है कि यार सागर को ले आई है, और कैसे लाई है ये हमें नहीं पता। क्या क्या कहेंगे, मैं अकेले चले जाऊंगी, ये इसने ले जा, इसने क्या इमोशनल ब्लैकमेल किया है हमें नहीं पता। श्रुति बर्तन रहने दे, हम उठा लेंगे। इसमें पाप की क्या बात है। तो यहाँ हो गया है डिनर फिनिश, और अब चलेगा बातों का दौर। सब ने खाना खा लिया है, बस सागर रह गया है क्योंकि ये ज़्यादा बातें करने में बिजी था। खाना तूने क्या? नहीं चाची। क्यों? और आपके टाइम है ना, रायता थोड़ा गला ना पकड़ ले। इतना परहेज मत किया कर। अब क्या करें? यार उसके पास मेडिकल पहले ही खुला हुआ है। वो कितना यूज़ कर लिया मैंने मेडिकल, उसका तभी तो ऐसा है कि बैठ जाता हूँ आराम से। मैंने पहले गला पकड़ाया था, सही है ना? ऑल माय चाची सब्सक्राइबर्स, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और आ जाएं हमारे, और हम और इन्जॉय करें। प्लस मैं और सारे मेंबर्स लेकर आऊँ आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस फैमिली के साथ। और इधर एक नया मेंबर। चाचियों को, दादियों को तो एक नए मेंबर की ज़रूरत होती है, बस डिमांड यही है। जो ये लोग अभी फ़िलहाल पूरी नहीं करने वाले, ये इतने शरीफ बच्चे नहीं हैं जितने हम बेवकूफ़ बन गए थे। तो चलो कौन था वो मेरठ वाला? अच्छा हाँ, तीन महीने बाद भाई हुए ना, तो वाला नाम गलती से नहीं हुए, आप इंटेंशन नहीं हुए। और अगर तुम हुए तो तुम्हें से चूस हो जाएगा घर में। क्या कह के चूस हो जाएगा फिर? अगर आप तीन बहनों के बाद पुणे में पैदा हुए हो ना, तो आप गलती से इंटेंशनली हुए हो। और अगर सबसे छोटा हुआ पापा कहते हैं, पापा की जब भी कोई लड़ाई होती है पापा कहते हैं तुझे मन्नत से मांगा बेटा, मन्नत से। पापा कहते हैं वो तीन बहनों के बाद मन्नत नहीं होती। क्या होती है? मतलब मजे तुम ले रहे हो और मन्नत तुम्हारी बना रहे हो। और कहते हैं मैं मन्नत मांग रहा था, मेरा कान पकड़ लिया। ओ, नहीं पढ़ा है।
तो देखा आपने आज सब भाई बहन मिले हैं तो कैसी कैसी इनकी लैंग्वेज यूज हो रही है। ये ना देख लो बच्चों का हाल, ये डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं, हमें भगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर। चलो इसी बहाने हंसे तो सही, क्योंकि हंसने के लिए भी अब तो कॉमेडी देखना, कॉमेडी शो देखना पड़ता है। कोई नहीं, ज़्यादा मोटी हो रही और कोई गुंजाइश भी नहीं। नहीं वैसे भी देख, जिसने लेना था उसने ले लिया है, अब क्या फर्क पड़ता है। नहीं फर्क तो बहुत पड़ता है। अब डिनर कर लिया है तो चलो वॉक करने चलो, हम अपनी रूटीन नहीं तोड़ेंगे। चलो फिर हम चले। नहीं अभी तो वॉक करने जाना है। वॉक हाँ अभी बहुत दूर वॉक करके जाना है यार। वैसे सही बात है, नहीं हो गई होगी जाए तो नहीं दिया रही है बल्कि तो नहीं दिया यार, गर्ल्स कैसी है ना, बड़ी नज़दीक होने दे आराम से घूम आएगी ना। चलो वॉक पे चलें, अब अपनी घर में नहीं करी तो यहाँ करेंगे हम, फिर आप शेयर ना वाली बातें करोगे। हम तो यार मैं तो घर जाने की सोच रहा था। नहीं आ जाती है कि जो आदमियों की बातें होती है वो औरतों को अच्छी नहीं लगती, जो औरतों की बातें होती है वो आदमियों को कहीं भी अच्छी नहीं लगती, तो बस फिर रास्ते अलग अलग है, बेचारे कॉम्प्रोमाइज ही करते हैं कि चलो थोड़ी देर तुम्हारी सुने थोड़ी देर तुम हमारी सुनो। तो अब हम जा रहे हैं सारे जने वॉक करने के लिए। नहीं सच में वो नाग था उस दिन पूरा का पूरा, नहीं बहुत बड़ा था और काला और डेंजरस। आप घूम आए? हाँ बस अभी निकले हैं। बच्चों को हो रही है घर जाने की जल्दी, लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा उनको भेजने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए हैं बच्चे हम चाचियों से मिलने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आज, एकदम से आ गए तो हम लोग ज़्यादा इनके डिनर की तैयारी भी नहीं कर पाए, वरना और अच्छे ढंग से कुछ बनाते, पनीर शनीर शाही पनीर दाल मखनी छोले भटूरे कुछ भी बनाते, लेकिन बच्चों ने बताया ही नहीं और अचानक से आ गए मिलने के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी रहा बहुत अच्छा रहा, बच्चे मिल गए, इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है। ये वाला गाना तो बहुत ही फेमस हुआ बड़ा है, वही यही चल रहा है टीवी में आ गया ना भैया गाना, भाई गाना छोटा भाई है ना, छोटे का दुख समझता है। ये तीनों में से छोटा है ना, इसकी कोई नहीं मानता। सभी इसको दुख लगता है। तो समझा नहीं सागर चाची क्या कह रही है। बाय बाय, खुश रहो खुश रहो। वो ब्लॉग में जब तक दादी गले मिलते रहे। हाँ जा रही हो पूरी पिक्चर होनी चाहिए। संस्कारी हूँ मैं। और क्या बिल्कुल
गाइज एंड बच्चे तो चले गए और अब हम चलते हैं और चेंज वगैरह करते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से 10 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। शाम बहुत आज की अच्छी रही, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और फिर मेरे साथ बने रहिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।